हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉटर्स मदर व्लॉग्स। सो वेलकम टू न्यू अवर व्लॉग आपका हमारे एक नए व्लॉग में। सो आपको हमारे प्रीवियस व्लॉग्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं तो हमें मोटिवेशन मिल रहा है। अभी हमारा बिल्कुल न्यू स्टार्टअप है और हम लोगों मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कितना साउंडली बोलूँ, कितना धीरे बोलूँ, तो धीरे धीरे ये भी इम्प्रूव हो ही जाएगा। बट वाकई में ही सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, प्रीवियस वीडियोस पे लाइक अच्छे मिल रहे हैं, व्यूअर्स अच्छे मिल रहे हैं। और अगर आपको हमारी दो चूल्हे वाली वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो। तो आज हम व्लॉग में देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं। फ़िलहाल अभी मैं बाहर बैठी थी और वेदर रियली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्लाउडी से हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। पहले तो मैं अपने आसपास की थोड़ी सी हरियाली, थोड़े से फ्लावर्स दिखा देती हूँ फ्रेम में आके। चलिए अभी मैं आपको वो चूल्हे की कंडीशन और दिखाती हूँ कि चूल्हे की कंडीशन हम बारिश में कैसे रखते हैं अपने चूल्हे को। सो तैयार हो देखने के लिए? चलिए ये देखिए, ये हमारा चूल्हा है। हालांकि रात को बारिश नहीं आई हुई थी बट गूगल पे से हमने देख लिया था जब घर में चूल्हा बनाए तो, और वो भी खुले में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने इसलिए रात को ही इस पे ऐसे कवर कर लिया था अपने चूल्हे को, बिकॉज़ अगर ये बारिश में गीला हो जाता है तो फिर ये मेल्ट हो जाता है, फिर चूल्हे को दोबारा से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हम जब बारिश होती है तो चूल्हे को इस तरह से कवर कर देते हैं, पहले ही कवर कर देते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, आप हमारा थोड़ा बहुत बगिया भी देखना चाहेंगे कि हमने किस तरह से अपने बगिया को मेंटेन किया हुआ है, क्या क्या हमने उगाया हुआ है। छोटी सी बगिया है, छोटे थोड़ा बहुत ही कुछ उगाया हुआ है। तो आज मैं आपको अपनी बगिया का व्यू दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से उसको मेंटेन किया हुआ है। तैयार है? सो फ्रेंड्स दिखाते हैं, चलिए। ठीक है, ये देखिए, ये हम लोग ना गुलाब को ऐसे गमले में लगा देते हैं, गुलाब की कलम को, फिर यदि किसी को चाहिए होता है तो उसको दे देते हैं। अभी ये हमने एक न्यू लेके आए हैं फ्लावर वाला, ये एलोवेरा है। ये हमने करी पत्ते का ट्री उगाया हुआ है, एक ट्री ऐसा हमारे पास अंदर है और एक ट्री बाहर है। ये देखिए एक और फ्लावर है, और ये मनी प्लांट, देन लेमन ग्रास। ये देखिए लेमन ग्रास की बहुत अच्छी कंडीशन हो रही है। इस लेमन ग्रास को मैंने ठंड से बचाने के लिए अंदर रख दिया था, इसको लेमन ग्रास को थोड़ा ठंड से बचाते हैं। ये फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं। बाकी और अभी बाहर वाली बगिया में भी दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर डॉटर। सो फ्रेंड्स चलते हैं बाहर बगिया में जहाँ से हम मेथी और पालक पिक करते हैं। तो हमने कुछ इस टाइप से अपनी छोटी सी बगिया मेंटेन की हुई है अपने घर के पास। इसको मैं अंदर से जाते हैं, हम यहाँ से इस तरह से हमने जुगाड़ किया हुआ है। बगिया में थोड़ा बहुत ही कुछ उगाया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हल्दी भी हमने पिक करवाई थी। ये देखिए हमारे पास कितने सारे रोज़ ट्रीज़ हैं। तो जब इनकी कटिंग होती है ना तो इनकी कलम हम लोग गमले में उगा देते हैं। ये स्नेक प्लांट, ये एक और प्लांट है, इन सब के मुझे नाम नहीं पता। और ये अजवाइन वाला, इसमें ना थोड़ा सा ही आप कट करके लगा देते हैं तो ये बहुत सारे अजवाइन बन जाती है। फ्लावर्स देखिए, एक गेंदे का भी लगाया हुआ है और कुछ कलियाँ आई हुई हैं रोज़ में। अभी ये रोज़ के ही दिन है, रियली बहुत ही अमेजिंग लगता है, बहुत अच्छे व्यूज़ होते हैं। ये देखिए इस तरफ हमने धनिया उगाया हुआ है, थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये हमने धनिया उगाया हुआ है, साइड में मिर्ची प्लांट्स हैं, जगह जगह आपको रोज़ प्लांट्स मिलेंगे। ये सिर्फ शौक के तौर पे दो आलू उगा दिए थे,
अब देखते हैं इसमें कितने आलू बनते हैं, पटैटोस। और ये वो जब मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पालक पनीर बनाया था तो पालक यहीं से ही कट किया था, उसका लिंक आपको मैं डिटेलिंग में दे दूंगी। इतना से ही पालक उगाया हुआ है, बीच बीच में तुलसा जी के पेड़ हैं, टमाटोज ट्रीज हैं, ये हमारी मेथी प्लांट, मेथी उगाई हुई है जो हमने, मेथी की भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने ये भी बेबी प्लांट बने, बेबी है टमाटोज प्लांट, ट्री प्लांट बेबी है मतलब छोटे छोटे, ये हमने पुदीना उगाया हुआ है, पुदीने के साथ गेंदे का फूल, फिर एक और रोज़ प्लांट। पुदीने को थोड़ा सा अच्छे से दिखा देती हूँ, कैमरे में काफ़ी सारा दिखता है बट एक्चुअल में ये बहुत थोड़े थोड़े ही अमाउंट में हमने उगाए हुए हैं। और ये देखिए बाहर एक करी पत्ते का और एक और प्लांट ट्री है, ये हमारे पास दो करी पत्ते के ट्रीज हैं। ये हमने कस्टर्ड एप्पल लगाया है जिसे शरीफा बोलते हैं। फ्रेंड्स हमने अपने फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी बगिया कैसी लगी, और हमने देखा आपने कि हमने चूल्हा कैसे सेव करके रखते हैं हम। और फ्रेंड्स अब मैं ये सोच रही हूँ कि आज डिनर में हम क्या बनाएं, मतलब मैं क्या बनाऊँ। मतलब हम लोग जैन हैं तो हम लोग दिन से खाना खाते हैं, मीन्स मैं नहीं खाती, मेरे हस्बैंड और मम्मी जी खाती हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि शाम को क्या बनाऊँ, क्योंकि शाम को तो सब मतलब आप सब जो हाउसवाइफ होंगी सब यही सोचते होंगे कि आज क्या बनाया जाए, बट कोई जवाब नहीं होता होगा, फिर उठ के खुद ही डिसाइड करना होता होगा कि आज क्या बनाया जाए। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। चलो आज हम बना देते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी, सही रहेगा ना, आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्यों डॉटर्स सही रहेगा ना, और डॉटर्स के फादर सही रहेगा आलू टमाटर की सब्ज़ी, ठीक है। सो गाइस अब मैंने सबको खाना खिला दिया है, अब अपने खाने की बारी है। तो आज इस व्लॉग में बस इतना ही, मैं दिखा देती हूँ कि आज खाने में क्या क्या बनाया है। आज खाने में है बथुए का रायता, आलू रेशे वाली सब्जी, और ये गाजर मूली का विद चटनी के साथ अचार और परांठा। तो अब मैं अपने खाने को एंजॉय करती हूँ, और अपनी इस वीडियो को, डेली व्लॉग्स की वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग्स में, और हाँ आपको डॉटर्स मदर व्लॉग की वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी दो रेसिपीज की वीडियोस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉटर्स मदर व्लॉग्स। तो आज का वेलकम टू न्यू व्लॉग्स।